पंजाब और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी आज आम आदमी पार्टी संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीबीआई ऑफिस में एक्साइज घोटाले के संबंध में की जा रही पूछताछ में शामिल होंगे। वहीं केजरीवाल समेत सभी आम आदमी पार्टी के नेता इसे भाजपा की राजनीतिक रंजिश बता रहे हैं। इसको लेकर पंजाब भाजपा के नेता सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार द्वारा रोजाना कांग्रेसी व अन्य नेताओं के खिलाफ विजिलेंस कार्यवाही करवाई जा रही है। अपनी कार्यवाही को आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने का दावा करती है, लेकिन जब दिल्ली के एक्साइज घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई केजरीवाल को बुलाती है तो इसे राजनीतिक रंजिश करार दिया जाता है। भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि बैसाखी के दिन आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ऑफिस बुलाकर पूछताछ करने के लिए 7 घंटे बैठाया गया। इसके अलावा पंजाब के अन्य सियासी दल के मंत्रियों को जेलों में डाला गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम करार दिया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो इस पर ड्रामा किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित एक्साइज घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार करवाए जाने का अंदेशा जताया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी आज आम आदमी पार्टी संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीबीआई ऑफिस में एक्साइज घोटाले के संबंध में की जा रही पूछताछ में शामिल होंगे। वहीं केजरीवाल समेत सभी आम आदमी पार्टी के नेता इसे भाजपा की राजनीतिक रंजिश बता रहे हैं। इसको लेकर पंजाब भाजपा के नेता सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार द्वारा रोजाना कांग्रेसी व अन्य नेताओं के खिलाफ विजिलेंस कार्यवाही करवाई जा रही है। अपनी कार्यवाही को आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने का दावा करती है, लेकिन जब दिल्ली के एक्साइज घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई केजरीवाल को बुलाती है तो इसे राजनीतिक रंजिश करार दिया जाता है। भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि बैसाखी के दिन आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ऑफिस बुलाकर पूछताछ करने के लिए 7 घंटे बैठाया गया। इसके अलावा पंजाब के अन्य सियासी दल के मंत्रियों को जेलों में डाला गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम करार दिया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो इस पर ड्रामा किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित एक्साइज घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार करवाए जाने का अंदेशा जताया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।